जंगल में अवैध फर्जी पत्थर खदान को लेकर दो गुटों में फायरिंग, घरों पर पथराव, वीडियो आया सामने, एसपी से शिकायत। शिवपुरी जिले के पिछोर रेंज में खड़ोई गांव के पास जंगल में अवैध पत्थर फर्जी खदान को लेकर रविवार को दिन दहाड़े दुपक्षों में फायरिंग हो गई। इससे पहले पथराव भी हुआ, गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया, वहीं पथराव में अन्य लोग भी घायल हो गए। मायापुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस कायमी कर मामला विवेचना में ले लिया। सोमवार को इस मामले की शिकायत लेकर एक पक्ष एसपी के पास पहुंचा और दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट, पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया है। खडोई निवासी कदल सिंह पुत्र प्यारे राजा चौहान का कहना है कि खडोई जंगल पत्थर खदान के विवाद पर गांव के करण पाल, अविंद पाल, कालू पाल, रबदीबाई पाल व जगत सिंह पाल निवासी मलहावनी और मंगल लोधी निवासी राजपुल बल्लू पाल निवासी मोहनगढ़ राहुल केवट संकट कॉलोनी पिछोर रविवार की दोपहर 2 बजे हमारे घर के पास आए, हमें गालियाँ देने लगे तो हमने रोकने का प्रयास किया और फिर हम पर पथराव कर दिया। हमने उदल सहित उदय भान भगवान नजू राजा राजा बाबू घायल हो गए। फिर मंगल लोधी बल्लू पाल व जगत सिंह पाल ने हवाई फायर किए, जाते समय जान से मारने की धमकी दी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह चौहान। अरे आज आप जी एसपी ऑफिस आए हो शरीफ सभी परिवार को लेकर, क्या कुछ मामला है, क्या विवाद हुआ है आपका? झगड़ा हुआ है, सब घर आके लोगों ने आक्रमण किया हमारे घर पे। और कौन लोगों ने आक्रमण किया? उसमें जगत सिंह पाल बंदूक लिए था कट्टा, और करण पाल, अरविंद और कालू और बुका नाम से रबूदी और बागेश्करण के सारे का नाम। ये लोगों ने मारपीट भी की है आपके? हाँ, कम से कम 40-50 लोग थे साहब जिनके संग में, और वगैरह भी हाँ फायरिंग की है हमारे घर पे आके, कट्टा जलाए ऐसे और पत्थर रिपोर्ट वगैरह की थी आपने? जी, मंगल लोधी। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद तो ये था साहब के छोटा मोटा विवाद था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ना इनसे कोई हुई बात हुई है, ना कोई गाली गलौज हुई है, कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने भी आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी, उसमें साहब इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, करण के पैर में गोली देकर हम लोगों की झूठी शिकायत की है, इन रिपोर्ट की है, कायमी करवाई है साहब। जबकि हम लोग तो पुलिस गाँव में पहुँच चुकी थी 2:30 बजे और 6 बजे तक पुलिस गाँव में रही। हम लोग पुलिस के रिपोर्ट करने के बाद एमएलसी को चले गए साहब हमारे लोग, और शांति यहाँ आए। आप क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन श्रीमान ने जी कहा एसटीओपी साहब के लिए कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए कोई भी हो। तो आपको आपके विरोध में गलत रिपोर्ट किया उन्होंने? जी, षड्यंत्रकारी रिपोर्ट की है हम लोगों के खिलाफ़।